बिग बॉस की हिस्ट्री में एक और हार्ट ब्रेकिंग और बहुत ही ज्यादा इमोशनल एविक्शन हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंकित गुप्ता के एविक्शन की। प्रियंका चौधरी जो हैं वो टूट गई हैं, वो सच में बिखर गई हैं। अंकित गुप्ता जो सिर्फ अकेले उनके सपोर्ट सिस्टम थे वहाँ पर, अब वो घर से जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको क्या है पूरी खबर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूँ आपके साथ आंचल सनोरिया। दोस्तों, अंकित गुप्ता जहाँ उनका गेम धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा था, वो धीरे धीरे गेम के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे थे, अपनी बातों को साफ तरह से रखते थे। उनके जेंटलमैन वाला जो ये बिहेवियर था उसको कहीं ना कहीं पसंद किया जा रहा था, लेकिन सडनली बिग बॉस ने घर वालों की मेजॉरिटी के हिसाब से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। थोड़ा सा अनफेयर लगा कि एविक्शन घर वालों के हाथ में दिया, और जब ये अनाउंस किया बिग बॉस ने कि इस बार के एविक्शन वोटिंग लाइन्स बंद थी और इस बार के एविक्शन घर वालों के वोट्स के आधार पर होंगे, तो आई वॉज प्रीटी श्योर कि मुझे ही जाना है, क्योंकि पूरे सारे घर वाले मेरे और प्रियंका के अगेंस्ट हैं और हम दोनों को ही टारगेट किया हुआ है, तो आई वाज प्रीटी श्योर कि अब मैं जाऊंगा। आपको बता दें, इस हफ्ते जब उनको नॉमिनेट किया गया था उसके बाद से ही वोटिंग लाइंस को बंद कर दिया गया था, तो कहीं ना कहीं बिग बॉस को भी ये चीज़ पता थी कि अगर ऑडियंस उनको वोट करती तो शायद अंकित गुप्ता घर से बाहर नहीं जाते। इनफैक्ट आपको बता दें, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि अंकित गुप्ता के नॉमिनेशन के बाद से ही लगातार अंकित गुप्ता चार चार या फिर मैं बोलूँ उससे भी ज़्यादा हैशटैग्स के साथ ट्रेंड कर रहे थे। लोग नहीं चाहते थे कि अंकित गुप्ता घर से जाएं, और यही वजह है कि इस वक्त भी नो अंकित नो बिग बॉस ये हैशटैग जो है लगातार ट्रेंड कर रहा है। नो अंकित नो बिग बॉस ट्वीट जो है वो इस वक्त 1 मिलियन से भी ज्यादा ट्रेंडिंग पे है, उस पे क्या कहना चाहेंगे? ये मुझे बस अभी अभी पता चला है कि इतना बड़ा कुछ हो रहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट आई एम रियली थैंकफुल एंड रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव जो भी मुझे मिल रहा है। दिल से, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ ही बात करें प्रियंका चहर चौधरी की, तो वो सच में टूट कर बिखर गई हैं। अंकित गुप्ता के जाने की खबर सुनते ही प्रियंका के आंसू नहीं रुके हैं, और आपको बता दें जिस तरह से अंकित गुप्ता उनको चुप करा रहे थे, प्रियंका जिस तरह से रो रही थी, अंकित गुप्ता की लाचारी साफ नजर आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं अंकित गुप्ता चाहते हैं उनको चुप कराना, उनको समझाना, लेकिन कैसे समझाएं, क्योंकि अब तो वो वापस जा चुके हैं, वो गेम में आउट हो चुके हैं, क्योंकि अब उनको पता है कि अब वो यहाँ नहीं रहने वाले हैं। इस वजह से प्रियंका को समझाना ही उन्होंने सही समझा और वो इस घर से चले गए। दोस्तों, अंकित गुप्ता के एविक्शन के बाद जो है अब प्रियंका अकेली पड़ गई है घर के अंदर, उनका गेम अब क्या होने वाला है, क्योंकि घर वाले तो उनको काफी अच्छे से टारगेट करने वाले हैं, ये बात तो तय है। अंकित गुप्ता के बाद प्रियंका का गेम कैसा होगा, प्रियंका का गेम स्ट्रांग होगा या वीक होगा, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए इस बारे में आपका क्या कहना है। साथ ही एक सवाल कि अंकित गुप्ता का एविक्शन आपको क्या लगता है, सही डिसीजन था या गलत। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्म बीट, और बिग बॉस से जुड़े हर अपडेट के लिए फिल्म बीट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।